Students, today we will discuss design for cyclic load and speed in the topic rolling contact bearing. Earlier to this, in my previous lecture, we have discussed introduction to the bearing, types of rolling contact bearing, classification of the bearing, static and dynamic load carrying capacity of the bearing, life of the bearing. In the previous lecture, we saw how we select the bearing from the standard manufacturer catalog from the design data book, like SKF bearing हमें select करनी है तो कैसे select करनी है. तो first type of numerical we have seen in the previous lecture. Now this topic is very 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 important. If you consider the university examination, तो you will find definitely 100% you will find one numerical on the basis of this topic, design for cyclic load and speed. So earlier to this हमने ये assume करा था कि suppose bearing की अगर कोई life है, bearing की life है, suppose 500 hour की life है bearing की, या 120 million revolution की life है, तो throughout their life cycle the bearing is subjected to a constant load, constant radial or thrust load at constant RPM. ठीक है, but here the matter is different. क्यों? In actual condition ऐसा होता नहीं है. In certain application or you can see in actual condition, for example in turbines or in pump, or you can see in automobile is a good example, जहाँ पर हम gear change करते हैं, axle की speed जो है वो vary करती है. So this in actual condition the shaft, rotating shafts are subjected to the different type of condition. For example, you can see, suppose a bearing or a shaft is operating under the following condition. Radial load they rakha hai 2500 newton at 700 rpm for 25% of the time. Radial load 5000 newton at 900 rpm for 50% of the time, and radial load is 1000 newton at 750 rpm for the remaining 25% of the time. So ye example hai ki 25% of the time matlab ye ho gaya ki apni life cycle mein 25% इस तरीके से लोडिंग कंडीशन रही, 50% इस तरीके से रही, और बाकी रिमेनिंग साइकिल में इस तरीके से रही. नाउ 25% को इसको और एक एग्जांपल लेके समझते हैं तीनों पॉइंट्स को. सपोज एक बेरिंग है, उसकी लाइफ है 1000 आवर बेरिंग की लाइफ है. तो अपनी लाइफ में इसका क्या मतलब, 25% ऑफ द टाइम का क्या मतलब हो गया, यानी 250 घंटे, 250 आवर्स के लिए वो 700 आरपीएम पे रोटेट कर रही है शेफ्ट. 50% ऑफ द टाइम मतलब 500 घंटे, 500 आवर्स के लिए ये 900 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, और लोड इतना लग रहा है रेडियल लोड, और 750 आरपीएम पे रोटेट कर रही है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, यानी 250 आवर्स के लिए. ये थर्ड कंडीशन हो गई. ठीक है, सो वी कैन से इन एक्चुअल कंडीशन द बेरिंग इज सब्जेक्टेड टू द वेरिएबल लोड. ठीक, अच्छा यहाँ दे रखा है इन्होंने केवल रेडियल लोड दे रखा है, ये बहुत नोट करने लायक बात है, केवल रेडियल लोड दे रखा है. अगर रेडियल के साथ अगर एक्सियल लोड भी दे रखा होता, ठीक है, न्यूमेरिकल में, या यहाँ पर अगर एक्सियल लोड भी दे रखा होता, तो हम क्या करते, हम इक्विवेलेंट लोड निकालते बाय द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एक्स एफ आर प्लस वाई इंटू एफ ए. तो वहां हम एक्स और वाई की वैल्यू डिजाइन डाटा बुक से लिख के, तो बात हुई थी वहां पर रेडियल और थ्रस्ट लोड को एक इक्विवेलेंट लोड में कन्वर्ट कर दिया जाता. ठीक है, नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट अस डिस्कस द डेरिवेशन फर्स्ट. तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द कंप्लीट वर्क साइकिल. तो एक वर्क साइकिल को हमें कंसीडर करना जरूरी है. तो लेट अस से सपोज द वर्क साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द एक्स एलिमेंट. एक्स एलिमेंट में डिवाइड की जा रही है. यहां पर हमने 1, 2, 3 तीन, यहाँ पर तीन पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3. तो हमने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया. नंबर ऑफ एलिमेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर इस कंडीशन में 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो लेट P1, P2, Px बी द लोड एंड N1, N2, Nx बी द स्पीड ड्यूरिंग दिस एलिमेंट. तो अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग लोड लग रहा है P1, P2, P3, और स्पीड जो है शाफ्ट की अलग अलग है. ड्यूरिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द
फर्स्ट एलिमेंट द लाइफ L1 कोरस्पोंडिंग टू द लोड P1, यानी पहले एलिमेंट के लिए हम लाइफ निकाल रहे हैं. लेट अस से फॉर द फर्स्ट एलिमेंट लाइफ इज L1, तो L1 विल बी गिवन बाय C अपॉन P. C इज द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग. ठीक, तो ये कुछ मैंने देखा बच्चों में कंफ्यूजन ये है कि C और P में कंफ्यूजन है. C इज डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड P इज इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, जो कि हम दोनों लोड को कंबाइन करने के बाद एक हाइपोथेटिकल लोड लगाते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय पी. तो L1 इज कैलकुलेटेड बाय C अपॉन P1 की पावर 3 फॉर बॉल बेयरिंग. अच्छा, यहाँ पर जो ये हम पूरा का पूरा डेरिवेशन जो यूज कर रहे हैं इज ओनली फॉर द बॉल बेयरिंग, यहाँ पर कहीं भी हम रोलर बेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू द बॉल बेयरिंग. तो सी बाई पी की पावर 3, सो पी इज इक्वल टू 3 फॉर द बॉल बेयरिंग इंटू 10 की पावर 6 रेवोल्यूशन. अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ हमने रेवोल्यूशन लिखा है, मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन नहीं लिखा है. तो रेवोल्यूशन लिखा है तो 10 की पावर 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन लिखते तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते. ठीक, अच्छा एक बात, इसको डेरिवेशन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स में. जैसे मैंने 1000 आवर्स के रिस्पेक्ट में ये बात कही, ठीक, अगर यही बात मैं मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहता तो ये बात ट्रू नहीं होती. अगर मैं कहता कि सपोज 100 मिलियंस रिवोल्यूशन की लाइफ साइकिल है, उसमें 250 मिलियंस रिवोल्यूशन एलिमेंट 1 में है, 500 मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन एलिमेंट 2 में है, और 250 मिलियंस रिवोल्यूशन एलिमेंट 3 में है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत होती. तो वो अगर वो मिनट में दे रखी है आपकी लाइफ या आवर्स में दे रखी है, तब ये 25%, 50% और 20% ऑफ द टाइम का कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट जो है वो टाइम का है, ये रेवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है. तो रेवोल्यूशन में हमने निकालना है कि लाइफ रेवोल्यूशन में कितनी होगी, पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में और तीसरे एलिमेंट में लाइफ जो है रेवोल्यूशन में क्या क्या होगी. तो L1 हमने निकाल लिया. नाउ इन 1 रेवोल्यूशन द लाइफ कंज्यूम्ड इज 1/L1. ठीक है, तो अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें तो लाइफ कितनी कंज्यूम हो रही है, 1/L1. तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो P1 upon C की पावर क्यूब इंटू 1/10 की पावर 6. ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ N1 रेवोल्यूशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि कंफ्यूज कर सकती है व्हाइल ड्यूरिंग दिस टॉपिक. लेट अस अज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ N1 रेवोल्यूशन. तो N1 जो है यहाँ रेवोल्यूशंस है, रेवोल्यूशन पर मिनट नहीं है. कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, इस N1 को जो है वो RPM से कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. RPM क्या है, स्मॉल n, जो स्मॉल n हमने माना है, N1, N2, N3, दीज आर द RPM, बट दिस N1 इज रेवोल्यूशंस. तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ N1 रेवोल्यूशन. ठीक है, यानी हम टोटल लाइफ जो है फर्स्ट एलिमेंट में कितने रिवोल्यूशन घूम जाता है, वो N1 हो गया. तो देयरफॉर द लाइफ कंज्यूम बाय द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो कितना पोर्शन हो गया, टोटल लाइफ का कितना पोर्शन हो गया, N1 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं. तो लाइफ कंज्यूम बाय द फर्स्ट एलिमेंट इज गिवन बाय N1 P1 की पावर Q / 10 की पावर 6 C की पावर Q. तो जो पोर्शन है कितना उसने फर्स्ट एलिमेंट में कवर किया, लाइफ का कितना पोर्शन फर्स्ट एलिमेंट में कवर किया. तो सिमिलरली लाइफ कंज्यूम बाई सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, तो ये हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में निकाल रहे हैं. तो इसकी अगर यूनिट की हम बात करें, बिकॉज N1 की यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन में है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेवोल्यूशन में ही होगी. तो P1 और C की यूनिट तो न्यूटन में हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. तो N1 की यूनिट क्या बची, रेवोल्यूशन. तो हम ये बात किस में कर रहे हैं, रेवोल्यूशन में बात कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली द लाइफ कंज्यूम बाय द सेकंड एलिमेंट इज गिवन बाय N2 P2 की पावर 3 10 की पावर 6 C क्यूब. ठीक है, एडिंग दिस एक्सप्रेशन द लाइफ कंज्यूम बाय द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय N1 P1. तो सबको हमने ऐड कर दिया, 1, 2, 3. अगर 3 एलिमेंट है तो N3 तक जाएगा एक्सप्रेशन, और 3 से ज्यादा है तो N4 तक चला जाएगा. ठीक है, लेट P इज द इक्विवेलेंट लोड फॉर द कॉम्प्लेक्स वर्क साइकिल. द लाइफ कंज्यूम बाय द वर्क साइकिल इज गिवन बाय कैपिटल N PE अपॉन 10 की पावर 6 C की पावर C क्यू. तो वेयर N, कैपिटल N, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज द एडिशन ऑफ N1, N2 एंड N3. ठीक है, तो
कैपिटल एन और स्मॉल एन, दीज बोथ आर द सेम टर्म। कैपिटल एन क्या होगी, एवरेज आरपीएम स्पीड होगी शेफ्ट की, जो कि तीनों एलिमेंट को अकाउंट करके आएगी, और स्मॉल एन भी वही है, अगर न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली स्मॉल एन दे रखा है, कभी कभी स्मॉल एन दे रखा होगा और कभी कभी जो है वो नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो कैपिटल एन और स्मॉल एन एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्मॉल नाउ वी विल सी, ये इसको इस बात को मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल में और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कैपिटल एन इज इक्वल टू एन वन प्लस सी, ये रिवोल्यूशंस में है, सॉरी, ये आपका एन जो है वो रिवोल्यूशंस में है, तो कंप्लीट साइकिल में कितना रिवोल्यूशन, एवरेज रिवोल्यूशन कितना हो रहा है वो यहां से निकल आएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ एडिंग नाउ इक्वेटिंग दिस एक्सप्रेशन, इसको हमने इक्वेट कर दिया, इससे इक्वेट करने के बाद वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 10^6 c³, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड वी विल गेट द इक्विवेलेंट लोड, ई ई डिनोट द इक्विवेलेंट, सी पी इज डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड, इफ द साइकिल इज ऑपरेटिंग, द कंप्लीट साइकिल इज ऑपरेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट लोड एंड स्पीड, और यहाँ पर अगर पी सफिक्स में ई लगा दिया तो इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक लोड एंड स्पीड। तो ये एक्सप्रेशन आ गया एन वन पी वन की पावर क्यू, एन टू पी टू की पावर क्यू अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन। तो इसकी पावर 1/3 कह लो, या फिर क्यूबिकल रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट दिस पी इज इक्वल टू, इसको हम सिग्मा सिग्मा अगर लगा दें तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस। तो ये एक्सप्रेशन लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर में ये डेरिवेशन आ चुका है, जो कि मैंने असाइनमेंट में भी दिया था, तो यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट, डू दिस डेरिवेशन। द अबव एक्सप्रेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग। तो आपको एक बार पी निकल आएगा, ठीक है, पी से सी इज इक्वल टू सॉरी L10 इज इक्वल टू सी बाई पी की पावर 3, वहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, डिजाइन फॉर साइक्लिक लोड एंड स्पीड, तो वही है N1 N2 N3 आर द आरपीएम ऑफ ईच साइकिल, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, इसको इसकी पावर अगर 1/3 हम लिख दें, बात एक ही है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड। नाउ टेकिंग अ न्यूमेरिकल, सिंगल रोड टू डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हैज अ डायनेमिक कैपेसिटी ऑफ 40,500 न्यूटन एंड ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग वर्क साइकिल। तो उसी तरीके से दे रखा है, 5,000 न्यूटन का लोड लग रहा है, पहले पहला एलिमेंट में दे रखा है 5,000 न्यूटन का लोड लग रहा है 500 RPM पे, 10,000 का लोड लग रहा है सेकेंड साइकिल में, सेकेंड एलिमेंट में 700 RPM एंड सो ऑन, ठीक। रिमेनिंग ऑफ द 25%, यानी एलिमेंट जो दे रखा है 25, पहला एलिमेंट 25% ऑफ द टाइम है, दूसरा 50% ऑफ द टाइम है, तीसरा 25% ऑफ द टाइम है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स, ठीक है। नाउ इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी टू कैलकुलेट द स्मॉल n1। तो यहां पर पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू दे ही रखी है, इट इज सब्जेक्टेड टू रेडियल लोड, प्योर रेडियल लोड है, थ्रस्ट लोड की कोई बात नहीं हुई है। तो हम पी वन पी टू पी थ्री इज इक्वल टू रेडियल लोड, यहाँ कैपिटल एक्स और वाई जो कॉन्स्टेंट थे वो कहीं यहाँ हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी न्यूमेरिकल में दे रखा होगा एक्सियल लोड तो हमें कैपिटल एक्स और वाई निकाल के इक्विवेलेंट लोड निकालना पड़ेगा। तो पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू हमें मालूम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस न्यूमेरिकल इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एन वन एन टू एंड एन थ्री, ठीक है। नाउ कंसिडर द इक्विवेलेंट लोड ऑफ इक्विवेलेंट लोड फॉर कंप्लीट वर्क साइकिल। तो दिस रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, कंसिडर वर्क साइकिल फॉर 1 मिनट ड्यूरेशन, यानी हम 1 मिनट की साइकिल ले लेते हैं, ठीक है। हमें तो नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है, हमें नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है, हमें तो लाइफ निकालनी है। लाइफ 1000 घंटे की भी हो सकती है, 1500 घंटे की भी, 1500 घंटे की भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं 1 मिनट की लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो 1 मिनट की लाइफ साइकिल है, यानी 0.2 इसका सेकेंड थर्ड रो देखो आप, एलिमेंट टाइम क्या होगा, तीन एलिमेंट है यहाँ पर, पहले एलिमेंट का टाइम कितना हो जाएगा 25%, पहले एलिमेंट का टाइम हो जाएगा 25%, इसका मतलब ये है 0.25 मिनट, 0.25 मिनट, दूसरा 0.5 मिनट, 0.25 मिनट, 0.25 मिनट को आप ऐसे समझ सकते हो 15 सेकंड के लिए। अगर 1 मिनट की साइकिल है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट की वर्क साइकिल है,
तो 15 सेकेंड 5000 न्यूटन का लोड लग रहा है और शेफ्ट जो है वो 500 RPM से रोटेट कर रही है। अगले 30 सेकेंड तक यानी 0.5 मिनट तक 10,000 का लोड लग रहा है और 700 की स्पीड से शेफ्ट रोटेट कर रहा है। और फिर अगले 15 सेकेंड तक 7000 न्यूटन का लोड लग रहा है और शेफ्ट जो है वो 400 की स्पीड से रन कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर इसकी लाइफ अगर हम एलिमेंट वन की बात करें तो एज कम्पेयर टू एलिमेंट टू लाइफ इसकी जो है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू देयर टाइम। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट n1 n2। तो सिंपल तरीका ये है कि n1 को हम मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं रोटेशन पर मिनट। सी इसको देखो, ये हमेशा कभी याद नहीं रहे, हमेशा याद रहेगा आपको। n1 की वैल्यू मैंने क्या बताया, n1 n2 n3 की यूनिट क्या है, रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर ये 0.25 है, 0.25 की यूनिट कितनी है मिनट, 0.25 की यूनिट है मिनट, और ये आरपीएम कितना है 500, तो 500 RPM। अगर हम आरपीएम की मल्टीप्लाई करें, अगर हम आरपीएम की मल्टीप्लाई करें मिनट से तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या। आरपीएम की मल्टीप्लाई करें हम मिनट से, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट से मिनट कट जाएगा तो बचेगा क्या, रोटेशन बचेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 0.25, 125 n1 हो जाएगा, 700 इंटू 0.5 350 हो जाएगा, 400 इंटू 0.25 इजिकल टू 100। तो ये n1 इंटू n3 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई कैपिटल एन की। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू आ गई, या हम इसे स्मॉल एन भी कह सकते हैं। ये 575 जो है वैसे तो 1 मिनट के लिए आई, लेकिन ये एवरेज आरपीएम आ गया। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि शेफ्ट जो है वो, ऑल दो शेफ्ट अलग अलग स्पीड से वेरी करता है अलग अलग एलिमेंट में, 500 700 और 400 में, लेकिन ऑन एन एवरेज वी कैन सी एवरेज आरपीएम ऑफ द शेफ्ट इज 575। ठीक है, तो इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि स्मॉल एन की यूनिट आरपीएम है, कैपिटल एन की यूनिट रोटेशन है या रिवोल्यूशन है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हम वर्क साइकिल जो है वो 1 मिनट की मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की यूनिट जो है वो बराबर हो जाती है। तो 575 इज नथिंग बट कैपिटल एन जो कि डिनोमिनेटर में था हमारा, एन इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 575 P1। यहाँ फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लोड का फॉर्मूला है n1 इंटू P1 की पावर Q, n2 इंटू P2 की पावर Q, n3 इंटू P3 की पावर Q अपॉन 575। तो यहाँ से P आ गया, एक बार P आ गया, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ द लाइफ, लाइफ L10 इज इक्वल टू C अपॉन PE की पावर, यहाँ पर P जो है वो रिप्लेस हो जाएगा PE से, बस इतना अंतर है। साइक्लिक लोड में P जो है पी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो सी अपॉन पी की पावर 3 क्यों है, क्योंकि बॉल बेयरिंग का कंसेप्ट है। नाउ सी दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमने निकाली अभी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमने निकाल ली। नाउ लाइफ आ गई हमारी आवर्स, मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन में आ गई, तो मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन को जो है वो कहीं कहीं MR से भी डिनोट कर देते हैं, मिलियन, जहाँ अगर MR लिखा हुआ है इट मीन्स मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन है। तो लाइफ जो है L10 मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन में आ गई। L10 और L90 ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी असाइनमेंट में आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है। L90 और L10 एक ही बात है, दिस इज कॉल्ड रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग। ठीक है, तो ये रेटिंग लाइफ आ गई आपकी 95.51 मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आवर्स में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो L10 इज इक्वल टू 60 N 10 LH, ये क्या है, L10H का मतलब क्या हुआ, रेटिंग लाइफ इन आवर अपॉन 10 के पावर 6। तो 95.51 इज इक्वल टू 60 इंटू 575 इंटू L10H, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है L10H की। तो L10H इज इक्वल टू दिस। तो ये इसी तरीके के सारे, अगर ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया तो यू आर एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द साइक्लिक लोड। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, तो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।